हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर और प्यारा सा एक डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है दिखने में, और जब ये बनके रेडी हो जाता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये पैटर्न मेरा 4 सीख में कम्प्लीट होता है और ये 4 फंदों पर बनकर आता है। इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने टोटल 20 फंदे लिए हुए हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको अपकमिंग वीडियो आपके फ़ोन पे तुरंत मिल जाएंगी और आपको इधर उधर वीडियो देखने के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए पहला फंदा आप बिन लेंगे और उस पहले फंदे के अंदर से आप सीक को डाल के दूसरा फंदा बिन लेंगे और फिर इसी तरीके से इन 2 फंदों के अंदर से सीक डाल के आप तीसरा फंदा ऐसे ही बना लेंगे और इन 3 फंदों के अंदर से फिर से सीक डाल के आप चौथा फंदा भी इस तरीके से रेडी कर लेंगे। तो ये मेरे 4 फंदे रेडी हो गए हैं। 4 फंदे कंप्लीट करने के बाद आपको चौथा फंदा कंप्लीट होने के बाद मुझे फिर एक फंदे के अंदर सीख डालनी है और एक फंदा बना लेना है और इसी फंदे से मुझे दूसरे फंदे के अंदर सीख डालकर दूसरा फंदा बना लेना है और 2 फंदे बनने के बाद फिर से मैं सीख डालूंगी और तीसरा फंदा कंप्लीट कर लूंगी। तीसरा फंदा मेरा रेडी होने के बाद मुझे चौथा फंदा बनाना होगा और इन 3 फंदों के अंदर से मैं चौथा फंदा निकाल के 4 फंदे इस तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। यानी जैसे पहले मैंने पहले के 4 फंदे बनाए उसी तरीके से मैं सेकंड 4 फंदे भी कंप्लीट करूँगी और इसी तरीके से मुझको इस पूरी रो में, यानी इस फर्स्ट रो में पहले फंदे से एक फंदा निकालना है और फिर उस फंदे के अंदर सीख डाल के दूसरे फंदे को बिन लेना है और फिर ये 2 फंदे बनने के बाद फिर तीसरे फंदे को भी सीख डाल के यहाँ से तीसरा फंदा मैंने ऐसे बना लिया और फिर इसी तरीके से इन 3 फंदों के अंदर से सीख डालते हुए चौथे फंदे को भी मैं बना लूँगी। 4 फंदे मैं इसी तरीके से पूरी इस रो में कंप्लीट करूँगी। इसको बनाना बहुत इजी है, बस आपको थोड़ी लूज फंदे करने पड़ेंगे तब आप इसको इजीली बना सकते हैं, क्योंकि टाइट फंदे होने में आप देख रहे हैं कई कई बार यहाँ पर डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है। तो आप इन फंदों को थोड़ी लूज बनाइए ताकि आसानी से 4 फंदे 4 फंदों से बन जाएं। ये फर्स्ट रो मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। 4 फंदों से मुझे 4 फंदे बनाने हैं और देखिए इस तरीके से मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे सेकंड रो मुझे पूरी उल्टी ही बिन लेनी है, यानी उल्टी बिनाई करके मुझे सेकंड रो कंप्लीट कर लेनी है। सेकेंड रो कंप्लीट होने के बाद मुझे थर्ड रो में पहला फंदा सुलटा और दूसरा फंदा सुलटा बनाना है। 2 फंदे मैंने सुलटे बनाए हैं और तीसरे फंदे पे एक फंदे से मैंने एक फंदा निकाला है और दूसरे फंदे के अंदर सीख डाल के मैं 2 फंदे निकालूंगी, फिर इन्हीं 2 फंदों के अंदर से सीख डाल के मैं तीसरा फंदा बनाऊंगी और ये 3 फंदे बन गए।
अब इसी तरीके से तीन फंदों के अंदर से सीख डाल के मुझे चौथा फंदा भी निकालना है। चार फंदे मेरे बन गए। चार फंदे कंप्लीट होने के बाद फिर मैं पांचवे यानी एक फंदे के अंदर से एक फंदा और दो फंदों के अंदर से फिर एक फंदा, फिर तीन फंदों के अंदर से फिर एक फंदा और फिर इन तीन फंदों के अंदर से मैं चौथा फंदा, यानी इसी तरीके से जैसे मैंने फर्स्ट रो में बनाया था वैसे ही मैं इस रो को भी कंप्लीट कर लूँगी। मुझे ये रो इसी तरीके से पूरी कंप्लीट करनी है। आप देख सकते हैं पहले फंदे से मैंने एक फंदा बनाया, फिर दूसरे फंदे के अंदर मैंने सीख डाल के दो फंदा बनाया और फिर इन दो फंदों के अंदर से सीख डाल के मैंने तीसरा फंदा बनाया, फिर तीसरे फंदे के अंदर से मैं सीख डाल के चौथा फंदा बना लूंगी। ये मेरे चार फंदे कंप्लीट हो गए हैं और इसी तरीके से मुझे ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो फ्रेंड मैंने चैनल पे कुछ भजन अपलोड किए हुए हैं जो मेरे द्वारा गाए हुए हैं, आप उनको ज़रूर सुनिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखना ना भूलिए कि आपको मेरे द्वारा गाए हुए भजन कैसे लगे, मुझे ज़रूर बताएं। और मेरी निटिंग वाली वीडियो, आपको मेरे निटिंग डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको डिज़ाइन कितने अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये मेरी तीसरी रो कंप्लीट हो जाती है। चौथी रो में मुझे फिर से सभी फंदों को एक एक करके उल्टा बिन लेना है और मैं चौथी रो उल्टी बिनाई करके कंप्लीट कर लूंगी। तो ये मेरा पूरा डिजाइन का पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरी चौथी रो आ गई। इस चौथी रो में मुझे सभी फंदे उल्टे बिनाई करके बिन लेने हैं। ये मेरी पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी और डिजाइन बनकर सामने आ जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देखें दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से नई ताजगी और उमंग के साथ एक नई वीडियो लेकर आऊँगी और आप भी फ्रेश मूड लेकर मेरी वीडियो को देखें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ में कमेंट शेयर और लाइक करना ना भूलिए। तो मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो लेके एक नए डिजाइन के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।